और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एनालिटिकल केमिस्ट्री की क्या इम्पोर्टेंस है, उसको ये पढ़ के या उसकी फील्ड में हम जाकर कहाँ कहाँ तक अपॉर्चुनिटीज हासिल कर सकते हैं। अच्छा, एनालिटिकल केमिस्ट्री या एनालिटिकल की मीनिंग ये है कि चीज़ों को एनालाइज करना, ठीक है। और हम लोगों ने जो एनालाइजेशन की है वो डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू, जो हमारे पास सब्सटेंस है, जो प्रोडक्ट्स है, उसकी कैरेक्टराइज्ड या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज किया है कि उसकी क्या क्वालिटी है, उसमें किस चीज़ की कितनी क्वांटिटी है, या उसमें किस चीज़ का कितना फिगर है। सिक्सटीन ईयर एजुकेशन के बाद हम एमफिल में अगर जाएं, ठीक है, तो एमफिल में जाने के बाद हमारी जो एक फील्ड है, एक रिसर्च है, वो स्पेसिफिक हो जाती है। सेशन अटेंड किया है सफ़ीर स्ट्रीम का, जिसमें मिस इकरा शफी ने हमें केमिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ मालूमात दी कि केमिस्ट्री की क्या वैल्यू है हमारी लाइफ में और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। उन्होंने हमें बताया कि अगर हम केमिस्ट्री की फील्ड जो है वो लेना चाहते हैं तो उसकी क्या वैल्यू जो है, उन्होंने हमें केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सी इंफॉर्मेशन बताई। इस सेशन के बाद या सेशन के दौरान मैंने देखा बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, वो बहुत एनर्जेटिक थे। उनको रिफ्लेक्शन मुझे ये आ रहा था कि मेरे सेशन के बाद उनको बहुत मोटिवेशन मिला है, उनके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो थोड़ी एक्सप्लोर होकर एक प्लेटफॉर्म में आ गई हैं। उनकी क्वेश्चनिंग से, उनकी जो माइंड मैपिंग थी उससे मुझे ये आइडिया मिला कि जैसे इन्होंने अपने फ्यूचर के बारे में बहुत अच्छे या कले कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए हैं। मैंने ये जो सेशन है बहुत इंजॉय किया। थैंक यू फॉर स्ट्रीम पाकिस्तान।